Hello, good morning to all. This is Amit sir, and our today's topic is electric current. And drift velocity. Okay, firstly we will discuss about electric current, right? As you have already read that electric current is the flow of charge. Charge ke flow ko hi electric current kehte hain. अब ये चार्ज है कहाँ, क्या चीज का फ्लो है, क्या चीज बह रही है? एक कंडक्टर है, उसको अपने बैटरी से जोड़ा, तो उसमें क्या चीज बह रही है? तो वो जो चीज बहती है उसको हम करंट कहते हैं. पर कैसे डिफाइन करेंगे करंट, चार्ज का फ्लो है क्या, चार्ज है किस तरीके से हम बताएंगे? तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा किसी एटम को. एटम में न्यूक्लियस होता है, सभी को मालूम है, और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेल्स में रहते हैं, 2, 8, 8 लाइक दिस. इस तरीके से शेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं. वो बाद में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है n h / 2π होना चाहिए, वो बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज पार्टिकल यहाँ बह रहे हैं कंडक्टर में. कंडक्टर क्योंकि एटम से ही बना है, ये एटम्स हैं इसमें. अब इसमें क्या चीज बह रही है हमें ये जानना है. तो देखिए यहां पर आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. अब नेगेटिवली चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बाउंड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं. पर कुछ एनर्जी अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को दी जाए आउटसाइड से तो इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्री विद लिटिल एनर्जी. कभी कभी ये एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर में भी मिल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर घूमने लगता है किसी एक बल्क में. बल्क में अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, यहां पर थाउजेंड्स एंड मिलियंस एटम्स अगर हैं तो यहां मिलियंस एटम्स फ्री हो गए ना, और वो मिलियंस एटम्स क्या करेंगे, घूमेंगे इधर उधर. अब फ्री कैसे हो सकते हैं, या तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी दिया जाए तो रूम टेम्परेचर में भी ये फ्री हो सकते हैं. रूम टेम्परेचर में भी इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं. मींस एक कंडक्टर में वो क्या चीज होती है जो बह रही है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव. पर याद रहे हम नेगेटिव चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रॉन कहते हैं. क्योंकि ये उस समय की बात है जब हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी. उस समय हमारा जो डेफिनेशन था, हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रॉन कहते सॉरी करंट कहते हैं. तो वही डेफिनेशन चली आ रही है. बाद में किसी ने बताया, जैसे थॉमसन ने बताया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटसाइड घूमते हैं. फिर ऐसे कई सारे मॉडल्स आए जिनमें एक एक करके सबने बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बाउंड कंडीशंस में होते हैं, जैसे रदरफोर्ड ने, फिर उसके बाद बोर ने, ये सारे एक एक करके बताए कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं आउटसाइड. तो हमारे पास दो विकल्प थे, जो हम डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, या तो उसको ही चेंज कर दिया जाए, नहीं वो गलत है, उसके अकॉर्डिंग जो आगे चीजें हमने कंक्लूड की थी या इन्फर किया था उससे, वो सभी चीज में हमें कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ते.
पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अभी तक कहते आए। एकदम से जैसे इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिली तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव चार्ज के फ्लो को कहते हैं करंट। तो फिर वो डेफिनेशन से रिलेशन में आगे जो जो चीजें कॉन्सेप्ट बने वो सारी चीज बदलनी पड़ती है हमें। तो हमने क्या इजी समझा, हमने कहा कि ठीक है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रॉन मानेंगे, सॉरी करंट मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही करंट मानेंगे। वैसे होता नहीं है पॉजिटिव चार्ज जो बहता है, क्या आप सोचते हैं कि ये न्यूक्लियस यहां से बहेगा, ये न्यूक्लियस जो अंदर बिल्कुल है यहां से निकल के आउटसाइड घूमेगा, हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन ही वो चीज है जो घूमेगी। बट फिर भी हम अब कह दिया तो कह दिया कि हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो अब कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, या फिर ये जो कन्वेंशनल करंट हमने मानी, करंट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये कहा जा सकता है, जिससे हमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। हम रेगुलरली यही कहेंगे कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। पर क्या हर किसी एटम्स के इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं? नहीं, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो जाते हैं। क्यों? उसके आउटसाइड में वन इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे सोडियम में है, राइट? सोडियम है तो वन इलेक्ट्रॉन, किसी में दो इलेक्ट्रॉन रहता है आउटसाइड में, कैल्शियम मान लीजिए, किसी में तीन इलेक्ट्रॉन रहता है एल्यूमिनियम मान लीजिए आउटसाइड में। फिर इसके बाद कैटेगरी आती है जो कभी कभी ना तो कंडक्टर कहे जा सकते हैं ना नॉन कंडक्टर कहे जा सकते हैं, जैसे कार्बन है या सिलिकन है, जिसमें चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटसाइड में। ये कंफ्यूजिंग स्टेट है, हम इसे कंफ्यूजिंग स्टेट कह सकते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर्स में यहां गिना जाता है इन्हें बाद में। कभी कभी कार्बन को नॉन कंडक्टर भी कहा जाता है, इंसुलेटर, पर इसके ही कुछ पार्ट जैसे ग्रेफाइट है उसको हम कंडक्टर में लेते हैं, जैसे सिलिकन है इसे कंडक्टर में लेते हैं, गैलियम है कंडक्टर में लेते हैं। इन तीनों को तो कंडक्टर में लेंगे ही क्योंकि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन और बढ़ते हैं 5 हो जाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, और फिर इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन वाला जैसे कि ऑक्सीजन, और 7 इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन। अब इसके इलेक्ट्रॉन को क्या हम फ्री मान सकते हैं? क्या इसका अगर हम ऐसे बल्क लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ेंगे, क्या कंडक्शन करेगा? नहीं, नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या है? जिसके आउटसाइड में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 वाली स्टेट तो नोबल गैस हो जाती है, जैसे आर्गन, ठीक है, नियॉन, ये सारी गैसेस जो है नोबल हो जाती है, उनको वो तो रिएक्ट ही नहीं करती। पर जिसके आउटसाइड 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज करना पसंद करेंगे, क्योंकि सबकी कैटेगरी ये होती है, सब अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने के दो तरीके हैं, आउट इनर 2, 8, 8, then 1। अब इसके पास दो तरीके हैं 8 इलेक्ट्रॉन करने का, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार ले और 8 कर ले, दूसरा तरीका इसके पास है 1 छोड़ दे और अंदर ऑलरेडी 8 है, जिसे हम Na प्लस कहेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आना, तो ये 8 स्टेट में आ गया, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये 8 की स्टेट में कब आएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो उस समय इसे Ca2+ कहेंगे, इसको Al3+ कहेंगे, Al3+। देखिए, समझ रहे ना? तो इसके लिए ज्यादा इजी क्या है, 1, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, क्योंकि यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन लेना कठिन था, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इजी था। इस तरीके से यहां पर
सिक्स इलेक्ट्रॉन लेना कठिन था, दो इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ सकता था। यहां भी तीन इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ सकता है पर पांच इलेक्ट्रॉन लेना कठिन है। तो ये वाली स्टेट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगी। अब ये लूज जब करेगी इलेक्ट्रॉन को तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता है और यहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी शुरू होती है। पर क्या आप सोचते हैं कि नॉन मेटल ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ये तो लेना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा, वही क्लोरीन ने लिया, बनाया NaCl। दो इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने छोड़े, यही ऑक्सीजन ने लिए, बनाया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तीन इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम छोड़े और किसी और से रिएक्ट किया, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बनाया Al2O3। वो आपने सबने पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि नॉन मेटल्स लूज नहीं करते हैं, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेटल्स लूज करते हैं इसलिए इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो I = Q/T। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो का रेट करंट बन जाएगा, राइट। अब Q कितना, कि मान लीजिए ये टाइम एक सेकंड में यहां पर n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन एक राउंड लगा रहे हैं, तो n इलेक्ट्रॉन Q = ne, n इलेक्ट्रॉन का चार्ज ne/T। इस तरीके से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं पर सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अराउंड, तो उससे हमें पता चल जाएगा कितनी करंट बन रही है। और करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, राइट। करंट को वन एम्पियर कब कहेंगे, जो वन कूलम चार्ज वन सेकेंड में पास कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर से, क्लोज सर्किट से, वन कूलम चार्ज वन सेकेंड में पास कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वन एम्पियर करंट बन रही है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन एन इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट की, कैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं। देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली जब करंट हम इसमें पास करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो जाती है, पर क्या इनिशियली इनमें कोई मूवमेंट होती है? एक कंडक्टर में क्या इनिशियली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं जब इसे इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जोड़ा गया है? तो आंसर है हाँ, यस, इसके इलेक्ट्रॉन तब भी मूव करते हैं। मींस एक आयरन का ब्लॉक, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट भी बननी चाहिए, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर करंट बनेगी तो एक आयरन का ब्लॉक, उसमें अगर करंट बह रही है, मान लीजिए मैं ये टिन मान लूं, ये टिन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, इसको पकड़ो तो मुझे करंट लगना चाहिए, राइट। कैसा होता है, इसे पकड़ के करंट लगता है? नो, व्हाई, क्यों? क्योंकि यस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, व्हाट इज दिस थर्मल वेलोसिटी, मींस एट दिस रूम टेम्परेचर तब भी इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री है और इलेक्ट्रॉन यहां फिर भी मूव कर रहे हैं। इस थर्मल वेलोसिटी में भी जब यहां गर्मी है उस पे रूम टेम्परेचर में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि ये इधर को मूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि इधर को मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है इधर को मूव कर रहा है, तो इनकी डायरेक्शन रैंडम होती है। यहां को मूव कर रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, ऐसे ही करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब कि बिना किसी बैटरी के भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पर करंट क्यों नहीं है? कहने की बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं करंट क्यों नहीं है? करंट इसलिए नहीं है क्योंकि ऑन एन एवरेज जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड मूव करते हैं
उतने ही ऑन एन एवरेज अपोजिट साइड उसके भी मूव कर रहे होते हैं। अगर आप इसका एवरेज निकाले हैं कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो उतना ही आएगा जितना कि राइट साइड वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अगर इसे हम देखें तो दोनों मिला के उसका रिजल्टेंट क्या देगा, जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं, थर्मल वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी यू वन मानू, इसकी वेलोसिटी यू टू, इसकी यू थ्री, यू फोर, ऐसे करके यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर डॉट 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 यू एन डिवाइड बाय एन, ये एवरेज निकल गया वेलोसिटी का, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कहेंगे इसे। क्या कहेंगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और ये जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी यू से डिफाइन कर लेते हैं हम इसे, ये जीरो होती है, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी यहां पर जीरो है। तो इसका मतलब है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी कहीं पर भी जीरो होती है। तो ड्रिफ्ट किसे कहेंगे, अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटी अगर हम जीरो बोल रहे हैं तो व्हाट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मींस जब किसी भी कंडक्टर को फील्ड से जोड़ा जाए। अब देखिए यहीं पर मैं एक फील्ड लगा देता हूं, आप सोचिए, मान लीजिए ये ऐसा चल रहा था और यहां पर आपने उसी समय एक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जोड़ दिया, क्या इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसे ही मूव करते रहेंगे रैंडम डायरेक्शन में? तो आंसर है नो, अब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी डायरेक्शन को अलाइन कर लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन द इलेक्ट्रॉन्स अलाइन देमसेल्फ, एंड इन व्हाट डायरेक्शन दे अलाइन, किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं? तो आंसर है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, मतलब इस तरफ को जाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि करंट का एक डायरेक्शन बन गया, जिससे अब अगर आप इसको छूओगे तो अब आपको करंट जरूर लगेगा, राइट? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने एक तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और वो डायरेक्शन क्या था, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन डीवी बाई डी आर आपने पढ़ी है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, और अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने जो बैटरी से दिया है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी है, ये दे दिया मैंने, मान लीजिए वी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, और यहां से यहां तक की लेंथ मान लीजिए एल है, तो वी अपॉन एल, राइट? तो ई इक्वल टू वी अपॉन एल हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा है, हम अगर ये देखना चाहें, फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई, सभी ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो होती है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो एफ इक्वल टू क्यू ई है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू, व्हाट इज क्यू, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन माइनस है ना, माइनस ई इनटू ई, दैट मींस फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रॉन पे ऐसा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रॉन पे ऐसा फोर्स, राइट? एफ इज इक्वल टू माइनस ई इनटू ई, राइट? तो बताइए कि इस फोर्स से ये कितना एक्सेलरेट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए कहते हैं ना, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ कितना माइनस ई इंटू ई डिवाइड बाय एम, सो दिस इज एक्सेलरेशन, राइट? ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया,
अब देखिए हम क्या करते हैं, इसी से ये भी निकाल सकते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन फाइनल वेलोसिटी कितनी उसमें आएगी। अच्छा एक बात और, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते हैं तो ये बहुत नजदीक नजदीक होंगे तो एक दूसरे टकरा जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे मूव करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते रहेंगे। दो इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच का जो टाइम है, मींस टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टू कॉलिजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन टू कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। मतलब ये जो टाइम है इसे हम रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं। पर ये टाइम तो सबका अलग अलग होगा ना, हम इसके टाउ से डिनोट करते हैं टाउ। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन ये है, राइट, ये ऐसे एटम से टकरा जाएगा किसी, कितने टाइम बाद टकरा है, मान लीजिए टाउ 1 बाद टकरा है, तो ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने टाइम बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा है या एटम से टकरा है, ये टाउ 2 बाद टकरा है। ये जो तीसरा वाला है ये कितने बाद टकराया, तो ये टाउ 3 टाइम के बाद टकरा है। क्योंकि टाइम भी अलग अलग होगा ना, कितने जल्दी ये एक दूसरे कोलाइड करते हैं, जरूरी थोड़ा है एक जैसा, तो ये टाउ 4, इस तरीके से टाउ 5, ऐसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते रहेंगे। हमको अगर फाइनल वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स की निकालनी है, U1 तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी, U1 इसकी, U2 इसकी थी, U3 इसकी, U4 इसकी, U5 इसकी, मान ली ऐसे करके UN तक डॉट 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 कर लें, इसकी एनर्जी जो इनिशियल वेलोसिटी थी UN थी, तो ये टाउ N टाइम बाद टकराएगा, राइट। अब देखिए अगर हमें इस वाले का फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इस वाले इलेक्ट्रॉन की, तो V1 कह लेंगे हम, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सभी ने पढ़ा है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। V1 इज इक्वल टू U1 प्लस एक्सेलरेशन, तो सभी एक जितने होंगे ना, फोर्स तो सभी पे बराबर लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पे बराबर है, राइट, तो एक्सेलरेशन तो सब में बराबर है, तो ए टाउ 1 V1 के बदले आ जाएगा और V2 के बदले क्या आ जाएगा, अब देखिए इसे मैं थोड़ा ऊपर से लिख देता हूं, V1 इज इक्वल टू AU1 प्लस ए टाउ 1, V2 कितना आ जाएगा, U2 प्लस ए टाउ 2 डॉट 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 डॉट, ऐसे करके VN की बात करें अगर, UN प्लस ए टाउ N, अगर इन सबको ऐड कर लिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 VN डिवाइड बाय N, ने V3 VN डिवाइड बाय N, अभी हम खुद करेंगे, राइट, एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, अभी तो यही आएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को ऐड करो, U1 प्लस U2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके UN प्लस A सभी में से कॉमन अगर ले लिया जाए तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ N, राइट। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को N से डिवाइड कर लें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट, N से इक्वेशन डिवाइड, पर हमने ये तो पढ़ ही रखा है अभी थोड़ी देर पहले, इसे क्या नाम दिया था हमने, थर्मल वेलोसिटी। और कैसी थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। व्हाट इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी, किसी की भी एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, बताया था, क्योंकि कितनी जितने लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट साइड में भी ऑन एन एवरेज जा रहे होते हैं थर्मल वेलोसिटी के कारण। और ये क्या चीज है, ये वी बार कह लो, चलिए इसे वी बार, मीन्स वेलोसिटी का जो एवरेज है, फाइनल वेलोसिटी का एवरेज। और इसी फाइनल वेलोसिटी के एवरेज को ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नाम दिया है, मींस फाइनल
फाइनली ऑन एन एवरेज कितनी तेज वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कितना ड्रिफ्ट वो होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, हम उसे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और यहां पर वी डी बार कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया, प्लस ए, और यहां है टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन डिवाइड बाय एन। व्हाट इज टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री डिवाइड बाय एन, टाउ एन डिवाइड बाय एन, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे इसे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे एक सेकेंड बाद टकरा रहा है, या एक मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड बाद टकरा रहा है। मान लीजिए नैनो सेकेंड का है, एक नैनो सेकेंड बाद ये टकरा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से दो नैनो सेकेंड बाद टकरा रहा है, ये एक नैनो सेकेंड, ये दो नैनो सेकेंड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले से 0.5 नैनो सेकेंड बाद टकरा रहा है। ऐसे करके सब अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम से टकरा रहे हैं। पर अगर हम इन सभी रिलैक्सेशन टाइम को ऐड कर लें, 1 प्लस 2 प्लस 0.5 डिवाइड बाय, अभी 3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि ऑन एन एवरेज कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम बाद टकरा रहा होगा, ऑन एन एवरेज कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम बाद टकरा रहा होगा। ठीक है, एवरेज निकालना बड़ा जरूरी है। हम जैसे आपकी क्लास है, उस क्लास में 50 बच्चे हैं, एक का वेट है 40 केजी, एक का 35, एक का 42, एक का, ऐसे करके कई अलग अलग वेट के बच्चे हैं, तो हम किसी ऐसे तो नहीं कह सकते कि इस क्लास में बच्चों का वेट 42 केजी है, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता सिंपली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबका एवरेज निकालना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज इतना है कहेंगे हम, अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज 45 आ रहा है, तो आप कहेंगे इस क्लास के बच्चों का वेट ऑन एन एवरेज 45 है। तो वैसे ही इस तरीके से यहाँ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में लगभग कितना टाइम लेता है, तो वो लेता है इतना। तो इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, वी डी बार इज इक्वल टू जीरो, जीरो का हटाई लो, ए टाउ, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मीन्स द एवरेज टाइम ऑन विच वन इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक द अनदर इलेक्ट्रॉन और एटम ऑफ द कंडक्टर, दिस टाइम द बिटवीन टू कॉलिजन, आई विल से कि बिटवीन टू कॉलिजन द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। बट ऑन एन एवरेज वन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद अनदर इलेक्ट्रॉन इन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेना पड़ेगा। तो आप देखिए वी डी बार ए, एक्सेलरेशन तो आपने निकाला था, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ, तो ये आपके पास आ गया वी डी बार इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब ऑन एन एवरेज what final velocity an electron gets before it strike the another electron, means ऐसे drift होता है। तो अब देखिए, आप समझते हैं कि यहां पर एक electric field जैसे ही हम apply करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये electron यहां पहुंच जाता है, यहां millions of electrons हैं, तो एकदम से ये electron यहां नहीं पहुंचता। मान लीजिए एक bulb है यहां पर, यहां पर हम एक माने कि यहां पर एक bulb है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन अगर निकला, और यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, थाउजेंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है पूरा, ये देखो कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन है, तार में भी, वायर में भी, सारे इलेक्ट्रॉन ही भरे पड़े हैं इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन से ही भरी पड़ी है तार, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी तो हम इसको कंडक्टर के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस है। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा आता है ये रिलैक्सेशन टाइम। क्या उस टाइम में आप सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक चक्कर काट के वापस आ जाएगा,
नहीं, ये सिर्फ ड्रिफ्ट करता है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको, ऑन एन एवरेज कितना धक्का इसे पड़ रहा है, कौन कितना वेलोसिटी इसे दे पा रहे हैं हम ऑन एन एवरेज, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसके अंदर गिर जाएगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा और यहां से नया इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलेगा, दैट मीन्स कि एक सर्किट पूरा हो गया और ये बल्ब ग्लो करने लगा। तो देखिए कितनी जल्दी एक बल्ब ग्लो करता है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब ग्लो करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी सी है, अगर हम देखें उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इतना बड़ा सर्किट कंप्लीट करने में उसे शायद पूरा दिन लग जाए इस इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब अगर ऐसा होता कि इसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे पूरा सर्किट कंप्लीट करके आना होता तब जाके बल्ब जल रहा है, तो क्या होता कि एक दिन या फिर दो तीन घंटे बाद वो बल्ब जलेगा, स्विच अभी ऑन करें दो तीन घंटे बाद बल्ब जले, तो ऐसा तो होता नहीं है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ड्रिफ्ट देता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक धक्का मारता है जिससे वो वाला इलेक्ट्रॉन जो उसके नजदीक है, जैसे आपकी लाइन है, आप लाइन में खड़े हैं, बड़ी लंबी सी लाइन है 50 बच्चों की, एक बच्चे को धक्का पड़ा तो वो ऐसे आगे धक्का ट्रांसफर होते होते सबसे सामने वाला बच्चा भी गिर जाता है। दैट इज ये इसी तरीके से कुछ हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको समझ में आ गया तो इसको अच्छी तरीके से देखें एक बार, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड लाइक शेयर, थैंक यू।